एक बार सभी साथियों को फिर से नमस्कार। नई ब्लॉग के साथ आ गए हैं दोस्तों। आए एक ऐसे जगह पे आए हुए हैं हम लोग जहाँ पे मिट्टी का बर्तन बनता है, छोटा छोटा बर्तन वगैरह बनता है। और यहाँ पे आपको हम दिखाना चाहेंगे छोटे छोटे बर्तन वगैरह यहाँ पे बनता है, आप यहाँ देख सकते हैं कि आज के डेट में मिट्टी का बर्तन बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन फिर भी आज मिट्टी का बर्तन बन रहा है। एक ज़माना था मिट्टी का बर्तन में, हर घर में मिट्टी का बर्तन रहता था, लेकिन आज बहुत सारे जगहों पे मिट्टी का बर्तन यूज़ तो नहीं होता है, लेकिन आज फिर भी बन रहा है। और पूजा पाठ में भी हर एक जगह पे भी मिट्टी का बर्तन काम आता है। तो आपको हम ले चलते हैं, थोड़ा सा अंदर में दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है वहाँ तक सारा बर्तन वगैरह यहाँ पे बनता है, छोटे छोटे बर्तन वगैरह यहाँ पे मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ से ना बर्तन ले भी सकते हैं, होलसेल भी करते हैं ये लोग, छोटे छोटे व्यापारी लोग भी यहाँ से माल ले जाते हैं। और चूल्ही, मिट्टी का चूल्ही भी यहाँ पे मिलता है। और ये आपको हम एड्रेस ना पूरे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये अनिसाबाद में रेलवे स्टेशन के पास है, फुलवारी शरीफ स्टेशन के बगल में ही है। दोस्तों आपको यहाँ एक चीज़ कहना चाहेंगे कि ज़माना था मिट्टी का बर्तन यूज करता था लोग, लेकिन आज के डेट में धीरे धीरे ये सारा उठ गया है। तो आप देख सकते हैं कैसे ये यहाँ पे मिट्टी का बर्तन बनता है। आप देख सकते हैं मिट्टी का बर्तन कैसे यहाँ पे बनता है। तो यहाँ यहीं पर मिट्टी का बर्तन बनता है दोस्तों। ये बहुत बड़ी कमाल का एक कला है, एक आर्ट भी है समझिए तो, क्योंकि सारा हाथ का कमाल है यहाँ पे। और बहुत अच्छा से बहुत बर्तन बना लेते हैं ये लोग। और इन लोगों का सम्मेलन भी है 30 तारीख को बापू सभागार में, गांधी मैदान। तो यहाँ से आप मतलब कि बर्तन ले सकते हैं, छोटे छोटे बर्तन वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। ये सारा इन लोगों का यहाँ पे काम वगैरह होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सारा मिट्टी का बर्तन यहाँ पे बन के रखा हुआ, और वो उसको अभी पकाएंगे भी वो लोग। उनको चूल्ही में ना बर्तन को पकाते हैं, वहाँ भी हम आपको ले चलेंगे कि जहाँ पे वो लोग बर्तन पकाते हैं। ये सारा मिट्टी है, ये मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, यहीं से वो लोग मिट्टी बाहर से लाते हैं और बाहर से यहाँ पर मिट्टी बनाते हैं बर्तन। और कैसे यहाँ पे ना पकाते हैं बर्तन वो थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बर्तन पकाते हैं। इस पर बर्तन रख कर करके, लकड़ी वगैरह रख कर करके बर्तन को बहुत अच्छे से पका देते हैं बर्तन को। तो दोस्तों यहाँ से ना आप मतलब कि आकर के छोटे छोटे मिट्टी का बर्तन वगैरह भी ले सकते हैं। जो मेरे भाई इस वो चीज़ काम करते हैं, उसके बारे में दुकान करते या कहीं भी कुछ भी करते हैं, तो आप यहाँ पर आकर करके ये छोटे छोटे बर्तन का होलसेल करते हैं, यहाँ से आप बर्तन ले सकते हैं। बहुत सारे बर्तन इनका रेडी भी है, स्टॉक भी है बर्तन, और यहाँ से आप माल ले सकते हैं। तो ये फुलवारी शरीफ स्टेशन के बगल में ही है, आप यहाँ पर आकर के आप ले सकते हैं।
तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।